हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कृषि या फिर उद्यानिकी आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट मिला रहे या फिर प्राइवेट मिला रहे, तो हम अब कब करा सकते हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जो कि इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफर से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वारीज मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब कमेंट्स में भी आए थे। इस कारण यह वीडियो आप सबके लिए मुझे बनाना पड़ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं, आगे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो, और यहाँ पे मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, एक कंडीशन अभी होती है, अभी जैसे आपने काउंसलिंग किया, ठीक है, आपको जो जो कॉलेज मिला है, तो उसमें एक कंडीशन अभी होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, जिसमें दो छात्र आपस में कॉलेज ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, आपको मिला है जांजगीर चांपा, किसी दूसरे को मिला है कवर्धा का, तो अगर वो कवर्धा से जांजगीर आना चाहता है तो आ सकता है, और जांजगीर का जो बंदा है, जो छात्र है, वो वहां से कवर्धा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ और अच्छे तरीके से। जैसे ए जो कि एक छात्र है को मिला है जांजगीर, बी को मिला है कोरबा, अगर ये दोनों चाहे तो ए कोरबा व बी जांजगीर जा सकते हैं। तो जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है ये इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे मैं ये बात बता देता हूँ, मुझे पता है आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे। फर्स्ट क्या पूछोगे आप कि क्या प्राइवेट से प्राइवेट और प्राइवेट से गवर्नमेंट हो जाएगा? तो प्राइवेट से प्राइवेट होता है, प्राइवेट से गवर्नमेंट नहीं होता है। और एक बात, क्या एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में हो जाता है कि हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर में हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में होता है, हॉर्टिकल्चर से हॉर्टिकल्चर में होता है। तो ये बात पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का हो गया, जिसमें आप करा सकते हो। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी में जाके आपको ट्रांसफर कराना पड़ता है, जब दो छात्र आपस में क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं कि मुझे यहाँ आना है और एक और लड़के को वहां जाना है, ऐसे करके। दूसरी कंडीशन क्या आती है, तो दूसरा, जब किसी कॉलेज में सीट खाली होता है तो हर साल यूनिवर्सिटी के तरफ से हर कॉलेजों में ट्रांसफर के लिए फॉर्म निकलता है, जिसे भरकर स्टूडेंट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा सकते हैं। एग्जाम्पल, मुझे कवर्धा मिला है, अगर बिलासपुर में किसी कारणवश सीट खाली है तो मैं अगर बिलासपुर के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं एलिजिबल हूं, अगर उचित कारण मैंने बताया कि मुझे ये दिक्कत है, मेरा मेडिकल फिटनेस यहाँ पे उतना खास नहीं है, या मुझे मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं दूर पर जा रहा है मेरे घर से, तो इस तरह से उचित कारण आपको बताना पड़ेगा वहां पे, उसके बाद ही आपका एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो दूसरा कंडीशन मैंने बताया, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि दूसरा वाला जो ट्रांसफर है, केवल फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप सेकंड ईयर में जब जाते रहोगे तब ये ट्रांसफर करा सकते हो। और कब करा सकते हो, तो सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिए, अब जाने वाले हो थर्ड ईयर में, तब आप ट्रांसफर करा सकते हो। तो फर्स्ट ईयर के बाद और सेकंड ईयर के बाद ही आपका दूसरा वाला जो ट्रांसफर है, दूसरा जो कंडीशन बताया, वो आपका होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर से रिलेटेड आपके जितने क्वारीज थे वो मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक फॉलो मुझे नहीं किया है तो। आईडी आप सभी को पता ही है, @agritimegroup हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां भी आपको नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगी। सो डियर एग्रीयंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताएं आपके जो भी डाउट्स है या वीडियो कैसी लगी इसके बारे में, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जवान जय किसान दोस्तों।